दो मैचों में ही सूर्या ने रच दिया क्रिकेट का सबसे बड़ा इतिहास। कोहली रोहित हुए हैरान, पांड्या के छूटे पसीने, धोनी ने किया सलाम। बीसीसीआई ने खुद के पैर पर मार ली कुल्हाड़ी। यादव शेर और पांड्या के बीच छिड़ी नई बहस। सूर्या दो मैच में ही बन गए सबसे बड़े कप्तान। सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने कंगारुओं को दिखा दी उनकी असली औकात। लगातार दो हार के बाद मिट्टी में मिल गया ऑस्ट्रेलिया का घमंड। सूर्या के सम्मान में झुका पूरा हिंदुस्तान। जो काम कोहली और रोहित 15 सालों में भी नहीं कर पाए थे, उस काम को सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ दो मैचों में ही करके दिखा दिया। सूर्या ने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ ऐसा महारिकॉर्ड बना दिया है जिसे देखने के बाद विराट और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों की नींद उड़ी हुई है। हार्दिक पांड्या के पसीने छूट गए हैं। बीसीसीआई ने जिस सूर्या को 31 साल की उम्र में इंडियन टीम में मौका दी थी, उसी सूर्य कुमार यादव ने अब अपनी घातक कातिलाना कप्तानी से बीसीसीआई के मुँह पर भी जोरदार तमाचा जड़ दिया है। सूर्या का 10 साल बीसीसीआई ने बर्बाद किया था और खिलाड़ियों की तरह सूर्य कुमार यादव को भी अगर 20-22 साल की उम्र में ही टीम इंडिया में मौका मिल गया होता तो सूर्या अब तक कितने सारे महारिकॉर्ड को तहस नहस कर दिया होता। बीसीसीआई ने यादव जी के क्रिकेटिंग करियर को खत्म करने के लिए अच्छा खासा साजिश रची थी। वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई ने अचानक से सूर्या को कंगारुओं के ही खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज में कप्तानी की जिम्मेदारी दे दी थी। बीसीसीआई ने सोचा था कि सूर्या को टीम इंडिया से बाहर करने का यह सबसे अच्छा मौका है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर सूर्या कुमार यादव कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में फ्लॉप साबित होता है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी ही यादव शेर को टीम इंडिया से बाहर करने की मांगे करने लगेंगे, क्योंकि बीसीसीआई को भी यह बात बहुत अच्छे से मालूम था कि वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार के बाद पूरा का पूरा हिंदुस्तान सिर्फ सूर्य कुमार यादव को ही फाइनल में मिली हार का असली गुनहगार ठहरा रहा था। सोशल मीडिया पर कई लोग सूर्या के खिलाफ जहरीले बयान दिए जा रहे थे। कुछ लोगों ने तो सूर्या को टीम इंडिया से संन्यास ले लेने की सलाह देने लगे थे। बस बीसीसीआई ने इन्हीं सब बातों का फायदा उठाते हुए सूर्य कुमार यादव को अचानक से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी की जिम्मेदारी दे दी ताकि सूर्य कुमार यादव फ्लॉप साबित हो जाए और सूर्या के क्रिकेटिंग करियर को अच्छे तरीके से खत्म किया जा सके। मगर दोस्तों, सूर्या ने अपनी खतरनाक 360 डिग्री बल्लेबाजी और शानदार कप्तानी से बीसीसीआई के इस सपने को चकनाचूर कर दिया। सूर्या की कप्तानी में पहले T20 मैच में टीम इंडिया इतिहास रचने के बाद दूसरे T20 मैच में भी सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ 235 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा स्कोर है। दूसरे T20 मैच में भी सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद से छक्के चौकों की बारिश करी थी। हालांकि सूर्य कुमार यादव दूसरे T20 मैच में 19 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सूर्या के अलावा बाकी टीम इंडिया खिलाड़ियों ने तबाही मचाई थी, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था और ऑस्ट्रेलिया का पूरी तरह से घमंड टूट गया था। सूर्या की शानदार कप्तानी को देखने के बाद धोनी ने भी सूर्य कुमार यादव को सलाम किया है। यहां तक कि पूरा हिंदुस्तान यह बोलने लगा है कि सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेट का परमानेंट कप्तान बना देना चाहिए और 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी सूर्य कुमार यादव को ही कप्तानी की जिम्मेदारी देनी चाहिए। खैर दोस्तों, आप सभी लोगों का क्या ख्याल है? क्या हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव दोनों में से किसको T20 कप्तानी मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा।